बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये अपडेट आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया का सफ़र करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर जो रूल्स बनाए गए हैं आप अगर उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से भी कुछ रूल्स जारी किए गए हैं जिसको आप लोगों को फॉलो करना है, और वो वही रूल्स हैं जो अभी फ़िलहाल चलते आ रहे हैं। ठीक है, जो लोग अभी सऊदी अरब से इंडिया या सऊदी अरब से पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का वो लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनको मुँह पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा, और साथ में उनको जो सामाजिक दूरी के वसूल हैं उसको मेंटेन करके रखना होगा, और उनका दर्जा हरारा जिस्म का ज़्यादा ना हो। तो ये तमाम तरह के जो रूल्स हैं वो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, और इसी को जो है वो सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से अपडेट किया गया है कि तमाम लोगों को इसको जो है वो फॉलो करते रहना होगा। साथ में आपको बता दें कि अगर आप इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, सऊदी का तो आपको फॉलो करना है ये तो ज़रूरी है, जबकि इंडिया का जो रूल्स बनाया गया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जाते हो और PCR रिपोर्ट लेकर जाते हो, जैसा कि इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कहा यह गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी कंट्री से इंडिया वापसी करता है और अगर वो PCR रिपोर्ट 96 घंटे की लेकर आता है तो ऐसे में उसको बाहर क्वारंटाइन जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको 14 दिनों का होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी कि आपके घर में ही आपको 14 दिनों का जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा, बल्कि आपको बाहर कहीं पर भी रहने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कहीं पर भी क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी पर जा रहे हो तो PCR रिपोर्ट अपने साथ लेकर जाओ। PCR रिपोर्ट कहते किसको हैं, तो PCR रिपोर्ट ये होता है कि आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है और वो रिपोर्ट जारी की जाती है कि आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, आप कोरोना वायरस से मुक्त हैं तो उसको PCR रिपोर्ट कहते हैं, तो वो रिपोर्ट आपको लेकर जानी है। तो जब भी आप सऊदी अरब से रवाना होने की तैयारी करें तो आप किसी भी मेडिकल सेंटर में जाएं जो अप्रूवल हैं, जिन जहां से बताया गया है कि आप PCR रिपोर्ट यहां से जारी करवा सकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे वहाँ से भी आप जारी करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर PCR रिपोर्ट जारी होगा या नहीं होगा, या किस सेंटर से आप जारी करवा सकते हैं वो अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप PCR रिपोर्ट ले लें। PCR रिपोर्ट लेने के साथ आपको बता दें कि 72 घंटे पहले आपको न्यू दिल्ली airport.in पर जो है वो आपको चले जाना है, और वहाँ पर आपको जाकर अपनी डिटेल जो है वो बता देनी है। डिटेल बताने के हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको जो है अपनी डिटेल, आप जब उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपसे जो भी डिटेल पूछी जाएगी वो आपको भर देना है और सबमिट कर देना है। जिसके बाद जब आप इंडिया जाएंगे और PCR रिपोर्ट दिखाएंगे तो फिर वो आपको सीधा आपके घर जाने का परमिशन दे देंगे और आपको बोल देंगे कि आपको 14 दिनों का होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, यानी कि आपको 14 दिनों के लिए आपको घर में रहना पड़ेगा, आपको बाहर कहीं पर भी आने जाने की परमिशन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा कि आपको बाहर जो टाइम है वो आपका ख़राब नहीं होगा, आपको सीधा आपके घर जो है वो भेज दिया जाएगा अगर आप PCR रिपोर्ट लेकर जाते हो, तो ये फ़ायदा होगा आपको। जबकि नया रूल्स और नया कानून भी यही बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते रहते हैं कि भाई अगर अभी हम सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और अभी सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी पर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में ज़रूर से अपनी राय का इजहार करें। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर अभी फ़िलहाल मौजूदा हालात में आप सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी पर जाना चाहते हो तो फिलहाल आप नहीं जाओ। इसकी दो वजह है।
पहली वजह ये कि अभी तक इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं। सिर्फ़ जो स्पेशल लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, या फिर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की सिर्फ़ फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया से सऊदी अरब के लिए शुरू की गई हैं, और बाकी लोगों के लिए अभी तक फ़्लाइटों का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है। जबकि अगर आपका कफ़ील, आपकी कंपनी जो है इंडिया मौजूद सऊदी एम्बेसी से बातचीत करती है, तो ऐसी सूरत में भी आपकी वापसी जो है वो सऊदी अरब हो सकती है। बाकी नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचें तो फ़िलहाल आपकी वापसी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में आप अगर अभी छुट्टी पर जाते हैं और फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं होती इंडिया से सऊदी अरब वापसी के लिए, तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो जहाँ से आपने इतना इंतज़ार किया, वहाँ से आप तकरीबन 1 महीने या 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने आपको और इंतज़ार कर लेना है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से सऊदी अरब में इंशाल्लाह नॉर्मल फ़्लाइटें जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि कोरोना से पहले फ़्लाइटें चल रही थी, उसी तरीके की फ़्लाइटें जो हैं वो 1 जनवरी 2021 से सऊदी अरब में स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो जब आप उस वक्त छुट्टी पर जाओगे, जब फ़्लाइटें नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जैसा कि अभी जो लोग जा रहे हैं उनको ये टेंशन होती है, ठीक है? तो उस वक्त आपको ये टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उस वक्त नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी और आप अपना टिकट बुक करें, वापस सऊदी अरब आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी वापसी जो है वो भी बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। जबकि दूसरी वजह जो है वो दूसरी वजह ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस की क्या तादाद हैं, ठीक है? दिन पर दिन 80,000, 85,000, 70,000 नए वायरस रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, यानी कि नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। जबकि टोटल अब तक कुल संख्या इंडिया में 50 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इंडिया में कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप इस आलम में इंडिया छुट्टी पर जाते हो, तो आपको जो है वो एक रिस्क रहेगा, कहीं खुदा न खास्ता किसी के साथ उठने बैठने में या कोई कहीं से भी आपको अगर कोरोना वायरस पकड़ लेता है, तो फिर आपकी सऊदी अरब में एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये दो वजह थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। बाकी अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरी बात माने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा मेरी बात से इत्तेफाक रखे, ठीक है? तो अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप जो मैंने बोला है और जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय का इजहार करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरह के अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।